हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है, और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नामक चैप्टर का लेक्चर 05। देखिए लेक्चर 04 तक कंप्लीट है, लेक्चर 05 आज करवाएंगे, साथ साथ लेक्चर 1, 2 और 3 का कंबाइन लेक्चर आपको अब की संडे को दिया गया था, जिसमें उसके कुछ 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी लेक्चर, मतलब 1 से लेके और बाकी वो टेस्ट वाला जो संडे को हुआ था और उसके बाद 4 वाला, इसके पिछले वाला नहीं देखा है, तो अब देखिए बार बार लिंक उंक, मतलब जो उसका हर लेक्चर का लिंक लगवाने से अच्छा है कि डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में और ऊपर देखिए आई बटन दिख रहा है, पेस्ट करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट में ओपन कर लीजिए, एक लाइन से देखिए। अगर आप फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड है तो फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन दे दिया गया है। और साथ साथ जरूरी बात यह है कि हमारे ही चैनल पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्टेड हैं, उनका भी सीरीज शुरू किया गया है, उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और लिंक ऊपर दिया गया है। इतनी छोटी सी जानकारी थी। बाकी अगर आप लोग कहेंगे कि इस चैप्टर के पहले हम और बायो में कौन सा चैप्टर पढ़ाए हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नामक चैप्टर है जिसका 16 लेक्चर तक कंप्लीट हो गया है। आराम से देखिए, जब 16वें पे पहुंच जाइएगा कमेंट मारिएगा, हम 17वां बना के आपको दे देंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि टॉपिक हमको रखना है 10 से 15 मिनट का और लेक्चर डेली सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है, टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। तो देखिए इसमें और कुछ है नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये जो आपका लेक्चर है, ये अभी तक पूरे, अभी तक मतलब जो 4 लेक्चर हुआ और इसके बाद जो भी लेक्चर होगा उसका बेस है, उसकी जान है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे पेपर के लिहाज से, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन टर्म्स को जाने बिना आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते, इतना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले चीज क्या है, लेक्चर का नाम हमने रखा है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या, मेंडल चाचा का मतलब था क्रॉस करवाने से। एक वो क्या करते थे, एक टॉल प्लांट लेते थे, एक डॉर्फ प्लांट लेते थे, दोनों का आपस में क्रॉस करवा देते थे। दूसरा चीज क्या करवाते थे, मान लीजिए कोई एक अच्छी ब्रीड है उसको पकड़े, एक दूसरी अच्छी ब्रीड है उसको क्रॉस करवा दिए, तो उनका कुल मिला के क्रॉस पे ही काम चलता था। लेकिन वो बोलते थे बायोलॉजी के टर्म में, क्योंकि बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो जो टर्म्स वो यूज करते थे उसको आज हमको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले टर्म क्या है, फैक्टर। अब फैक्टर की जानकारी तो लेक्चर 03 से ही हम आपको दे रहे हैं। लेक्चर 03 में फैक्टर हमने बढ़िया से बताया है, फिर भी देखिए फैक्टर क्या है। फैक्टर का मतलब मेंडल सर जो थे, उन्होंने क्या काम किया था, जब उन्होंने अपना 1856 से 1863 7 साल अपना वर्क किया और 65 में अपने वर्क को पब्लिश किया, उस समय तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम नामक शब्द कब यूज किया, 1888 में। मेंडल साहब का डेथ हो गया था 84 में, ठीक। तो दिक्कत यहीं से शुरू हुई कि जब मेंडल सर अपना 7 साल वाला, मतलब 56 से 63 तक काम कर रहे थे, तब दिक्कत क्या हुआ, तब उनको क्रोमोसोम की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि 1863 में काम खत्म किए और 88 में जाके क्रोमोसोम टर्म आया, तो उसी क्रोमोसोम को मेंडल सर फैक्टर बोलते थे और कुछ नहीं है। मेंडल के भाषा में क्रोमोसोम को ही वो फैक्टर बोलते थे, क्योंकि उस समय तक क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ नहीं हुआ था। फिर देखिए उसके बाद फैक्टर की कुछ जरूरी बात मेंडल सर ने क्या बताई थी कि फैक्टर अकर इन पेयर। भाई बहुत जाहिर सी बात है, अगर कभी भी कहीं भी कोई भी हमको कैरेक्टर या ट्रेड मिलेगा तो हमेशा पेयर में ही तो मिलेगा, 50% ये टॉल है, 50% ये टॉल है। एक मान लीजिए पेरेंट मेल फादर से आया है 50% बच्चे में गुण, और 50% मदर से आया है, तो ये क्या है, हमेशा जहां भी फैक्टर या पेयर होंगे, फैक्टर या क्रोमोसोम होंगे, हमेशा पेयर में ही मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इन गैमीट। गैमीट का मतलब क्या है, अभी देखिए जैसे ये दो है तो दो को हम कह रहे हैं क्रोमोसोम एक साथ, ठीक, दोनों क्या है
क्रोमोसोम है। ठीक, अब देखिए इन गैमेट, अच्छा अगर अकेले गैमेट की बात करें तो गैमेट क्या है, ये सिंगल, अगर एक टी की इसमें बात करें तो ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है। तो क्या लिखा है, इन गैमेट वन इज पास आउट फ्रॉम पेयर, मतलब कह रहा है कि इन जो दोनों ये गैमेट लिखे हैं इनमें से कोई एक किसी पेयर से आया हुआ है। क्या कह रहा है, ये जो गैमेट लिखे हैं ये किसी पेयर से आया है। अगर इसका हम आपको क्रॉस दिखा दें या रिप्रोडक्शन दिखा दें कहीं यही कोने में, तो देखिए इतनी दूर में मान लीजिए छोटा सा, हम इसका आपको समझा देते हैं। सेकंड पॉइंट कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि ये टॉल प्योर टॉल था। ठीक, जब दोनों कैपिटल कैपिटल होंगे उसे प्योर टॉल कहेंगे। ठीक, तो ये प्योर टॉल है, इसने क्रॉस किया प्योर डॉर्फ से, मतलब प्योर सॉल्ट प्लांट से, जो पूरा छोटा था एक टू पूरा बड़कुआ पेड़ है। ये था पेरेंटल जनरेशन, मतलब मम्मी पापा। ठीक, इनका बच्चा क्या हुआ, इनका बच्चा एक इससे आया क्रोमोसोम। तो ये पहली बात क्या, पहला पॉइंट क्या, फैक्टर जब भी आएंगे पेयर में आएंगे, मतलब जोड़े में आया, ये समझ में आया। दूसरा, जब गैमेट की बात होगी, मतलब इस सिंगल टी की या इस सिंगल टी या ये सिंगल टी या ये तो ये क्या है, एक पेयर से सिंगल गैमेट इससे आया है, एक पेयर से सिंगल गैमेट इससे आया है, एक कैपिटल टी इससे आया है, एक स्मॉल टी इससे आया है, सेकंड पॉइंट है। तीसरा क्या है, मेंटेन इंडिविजुअलिटी। अब देखिए अगर यहाँ पे ये आए हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इनका कुछ इंडिविजुअलिटी, मतलब इनका कुछ अपने आप में कोई महत्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जब ये आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसने इसी तरह के फीमेल प्लांट से रिप्रोडक्शन किया, तब क्या होगा, इनका भी बच्चा होगा। तो क्या होगा, इनके चार प्रोबेबिलिटी होते हैं, चार बच्चे इनके हो सकते हैं। कैसे, लेक्चर पूरा अपलोड है, आप लोग पिछला लेक्चर देख के आइए। तो इनमें अगर एक एग्जांपल दें तो देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए या तो पूरा एक पीस से आए, एक पीस से, तो दोनों प्योर टीटी बन गए। ठीक, पहला क्या है, टीटी बन गया। दूसरा क्या है, या तो ये टी और ये स्मॉल टी हो सकता है। ठीक, या ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी, तो क्या है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, या दोनों टी और टी साथ में ही आ सकते हैं, इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो भी आए हैं सबका कोई ना कोई इंडिविजुअलिटी है, मतलब अपने आप में सब किसी ना किसी कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। कोई प्योर टॉल है, ये क्या है, प्योर टॉल, जिसमें दोनों कैपिटल वो प्योर टॉल कहेंगे, और जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल, जो इसका ये वाला जनरेशन है, इसे हाइब्रिड टॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल कहेंगे। जब एक कैपिटल और एक स्मॉल है उसे हाइब्रिड टॉल कहेंगे, और जब दोनों कैपिटल आए टी, मतलब कैपिटल टी, तो उसे प्योर टॉल कहेंगे। अगर दोनों टीटी स्मॉल में है उसे प्योर डॉर्फ या प्योर सॉल्ट प्लांट कहेंगे। और लास्ट में देखिए, अगर हमको कभी भी कोई भी कैरेक्टर बताना होगा, तो अगर मान लीजिए ऐसे टीटी लिखा है तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं, भाई दोनों टॉल है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर टॉल प्लांट कह देंगे। क्या कहेंगे, प्योर टॉल प्लांट। लेकिन अगर एक कैपिटल एक स्मॉल आया, तो कैरेक्टर हमेशा हम इस कैपिटल वाले से देखेंगे और इस पेड़ को भी हम टॉल बोल देंगे। ठीक, इसमें ये जो छोटा वाला टी है ये अपना पूरी तरह से कैरेक्टर नहीं दिखा पाता, इसीलिए ये आपको जानना जरूरी था। लड़के बहुत दिन से परेशान थे, हम कह लाओ भैया एक बेसिक लेक्चर बना दे, जितने लड़के हमारे परेशान है सबको थोड़ा बहुत समझा दे। नहीं समझाएंगे तो उनको समझाएगा कौन, भाई आप हमसे पूरा नहीं पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन, ये कंडीशन है ना। अब देखिए उसके बाद वो जो ऊपर गोचा पोचा है उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए नीचे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, अगला पॉइंट है फैक्टर का, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जिसे हम लोग कहते हैं जीन। ठीक, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन ही होता है, कई बार बता चुके हैं। नॉट सो ब्लेंडिंग, मतलब अगर ये एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, जो गैमीट जिसको हम बोले थे, गैमीट का मतलब जीन ही होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, एक जीन इससे आया कैपिटल टी, एक जीन इससे आया स्मॉल टी, इन्होंने आपस में ब्लेंडिंग किया,
या ब्लेंडिंग मतलब आपस में क्या अटैच हो गए, अटैच नहीं हुए। जब जरूरत पड़ी तो एक टी यहाँ पे आ गया, जब इसको जरूरत पड़ी एक टी यहाँ पे आ गया। तो ऐसा कहने का मतलब है कि ये टी और ये टी भले आपस में पेयर में है, ये टी और ये वाला टी भले आपस में पेयर है, दोनों कैपिटल है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो एक टी का फोटो कॉपी इसके बच्चे में चला जाएगा, ठीक। और दूसरा जो स्मॉल वाला है उसका उसका भी फोटो कॉपी उसके बच्चे में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये दोनों टी टी आपस में चिपक गए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। जब जरूरत होगी तो एक छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, और जब इसको जरूरत पड़ेगी दूसरे में चला जाएगा। असल में ऐसा भी नहीं है, एक लड़का हमसे पूछा था एक बार कि सर जी अगर यहाँ वाला जो टी है इसके पास चला आया तो क्या ये टी गायब हो जाएगा? ऐसा नहीं है, इसकी फोटो कॉपी जाएगी। जीन की हमेशा फोटो कॉपी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पिताजी से, मान लीजिए मैं लड़का हूँ, मेरे अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, ऐसा थोड़ी है मेरे पापा से मेरे अंदर जब वाई वाला क्रोमोसोम मिला था तब मेरे पापा के अंदर से वाई वाला डिलीट हो गया था, ऐसा नहीं होगा। उनकी फोटो कॉपी हमारे अंदर आई है, मतलब जीन की हमेशा फोटो कॉपी अंदर बाहर होती है। थोड़ा जल्दी इसको कवर करिए, नहीं बहुत लंबा लेक्चर होगा। आप देखिए उसके बाद क्या है, जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जैसे देखिए ये जीन आपस में साथ में, ये जीन साथ में इन्हीं को अलग कर लीजिए, तो जो जीन जैसा कैरेक्टर दिखाता है उसे हम लोग उसका जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कोई कैपिटल है तो कैपिटल टी में उसका जीन है, कोई स्मॉल है स्मॉल टी में उसका जीन है, कोई राउंड आर मतलब राउंड जो मटर का सीड होता है, सातों कैरेक्टर पिछले लेक्चर में बताए थे उसका है, कोई मटर का सीड मतलब बिया छोटा है तो स्मॉल आर उसका है। तो जैसे जैसे जीन है, कोई लंबा है तो उसके अंदर प्योर टॉल वाला है, जैसे हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर टॉल वाला जीन है क्या, कोई छोटा है तो उसके अंदर क्या है, डॉर्फ वाला है, जैसे छोटा लड़का जो है, ठीक। तो धीरे धीरे क्या है, प्योर और क्या है इसमें, मतलब टॉल और डॉर्फ में अंतर सिर्फ होता है जीन में, ठीक। तो जब इस तरह के कुछ रिप्रेजेंटेशन हम जीन के द्वारा दिखाएं उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और फीनोटाइप क्या है, फीनोटाइप का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हमारे बॉडी के एक्सटर्नल फीचर का। एक्सटर्नल फीचर मतलब मैं लंबा हूं सबको दिख रहा है, तो जब हमारे जीन के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर से काम चल जाए, उसे हम लोग फीनोटाइप कहते हैं, आउटर स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल में कोई पेड़, ठीक, पेड़ क्या, एक पेड़ लंबा एक पेड़ छोटा, तो एक क्या हो गया, टॉल हो गया। तो इसमें टॉल टी टी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसके लंबाई, उसके छोटाई, उसकी मोटाई, उसकी पतराई, ये सब देखेंगे, कौन कितना पतला है, कौन कितना मोटा है, छोटा है, जो भी उसके बाहरी फीचर है वही बता देंगे। ये सब कहाँ होते हैं, फिनोटाइप में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल टॉल है कोई, डॉर्फ, डॉर्फ मतलब बावना, शॉर्ट मतलब छोटा, यही चीज। अगला देखिए होमोजाइगस पेयर, कुछ नहीं है, होमोजाइगस मतलब क्या, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जो पेयर जाइगोट से आया है, जाइगोट हमेशा दो रहेगा मेल फीमेल से मिलके, और जाहिर सी बात है भाई पेयर हमेशा दो में रहता ही है। एक क्या है, एक टॉल से आया, एक टॉल से आया, प्योर टॉल हो गया। कहने का मतलब यह है जब दोनों, ध्यान से देखिएगा, ए मतलब जिसे एक पेयर है इसमें दोनों एक तरह के हो, अगर ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल होगा, ये कैपिटल आ रहा है तो ये भी कैपिटल आ रही है, स्मॉल टी है तो ये भी स्मॉल टी है, स्मॉल आ रहा है तो ये भी स्मॉल आर, एक्स एक्स किसमें, फीमेल में पाया जाएगा। जो जब क्रोमोजोम सेम सेम दिखे उस पेयर को हम लोग होमोजाइगस पेयर कहेंगे, ठीक। हेटरोजाइगस जब अलग हो जाए, एक कैपिटल है एक स्मॉल हो गया, एक राउंड है एक रिंकल्ड हो गया, स्मॉल आर को रिंकल्ड कहेंगे, कैपिटल आर को राउंड कहेंगे, और मेल में हमेशा हेटरोजाइगस कंडीशन पाया जाएगा, क्योंकि यक्स यक्स सेम नहीं, यक्स वाई। क्वेश्चन हमेशा आता है मेल में कौन से टाइप का पेयर होगा, हेटरोजाइगस, फीमेल में होमोजाइगस, ठीक, यही सब है। डोमिनेंट रिसेसिव, लास्ट में दो टॉपिक बचा, क्या होता है डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट ट्रेट का मतलब जो अपने कैरेक्टर को भरपूर दिखाए। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है लंबा है एक पेड़ छोटा है, जो लंबा है वो क्या काम करेगा, अपने कैरेक्टर को भरपूर दिखाएगा, भाई लंबा है बड़ा है उसमें ज्यादा लकड़ी, उसमें ज्यादा तने, उसमें ज्यादा स्टेम, फल भी आएगा। जो छोटा है अभी वो कोई कैरेक्टर दिखा ही नहीं पा रहा है। आसान भाषा में कहें तो जिसका दबदबा ज्यादा कायम हो, जिसकी औकात ज्यादा बड़ी हो, वो डोमिनेंट कैरेक्टर में आएगा, डोमिनेंट ट्रेट में आएगा। और जो अपने आप को कम दिखा पाए उसे हम लोग रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर में लेंगे।
करेंगे जैसे, अच्छा देखिए, जिसका दबदबा ज्यादा कायम है वो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों में दिखेगा भैया। ठीक, कैसे? मान लीजिए टीटी है, जब एक तरह के हैं तो क्या है, होमोजाइगस सेम, हेट्रो मतलब अलग, जब टीटी एक कैपिटल एक स्मॉल, हेट्रोजाइगस तो इसमें अलग अलग। ठीक, अब इन देखिए डोमिनेंट में क्या है, इसमें तो देखिए दोनों सेम है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर ये एक भी टी है तो हमेशा हम इस पूरे जोड़े को टॉल कहेंगे, हम ये जो स्मॉल वाला टी है इसके प्रेजेंस को नहीं लेंगे, सिर्फ इसी कैपिटल टी को देख के इस पेयर को हम लोग टॉल कह देंगे। लेकिन कैसे, इसमें देखिए ये प्योर था क्योंकि दोनों सेम है, इसमें एक स्मॉल आ गया, इसलिए इसको हाइब्रिड टॉल प्लांट बोल दी। ठीक, फिर रिसेसिव, जिसका दबदबोए नहीं है वो सिर्फ अंधों में काना राजा बना रहेगा, कैसे, जब होमोजाइगस सब उसी के लेवल में आएंगे तभी अपना दबदबा दिखाएगा, हेटरोजाइगस में जाके थोड़ी दिखा पाएगा, कैसे, अगर जब तक पूरा प्योर है जैसे दोनों टीटी है तब होमोजाइगस, मतलब देखिए तब ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों सेम है, तो इसमें रिसेसिव ट्रेट अपना दिखाएगा। रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या, जहां किसी और की प्रेजेंस ना हो, दोनों एक तरह के है ना, तो ये रिसेसिव ट्रेट में आएगा। ठीक, इसमें देखिए, इसमें अगर कभी कोई पूछे इसमें इसमें मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पेयर रिसेसिव ट्रेट दिखा रहा है, नहीं, रिसेसिव है ये छोटा वाला क्योंकि बड़ा वाला इसके पहले बैठा है, मानेंगे हमेशा हम इसको टॉल प्लांट, तो इसमें ये नहीं दिखा पाएगा। अच्छा, दोनों अगर छोटे छोटे हैं तब भी इसमें ये अपना कैरेक्टर दिखा देगा। ठीक, रिसेसिव वाला यही है। क्वेश्चन आता है सिंगल होमोजाइगस क्या होते हैं, जब एक पेयर हो तब सिंगल होमोजाइगस है। ठीक, होमोजाइगस मतलब सेम सेम, और सिंगल मतलब जब एक पेयर हो। ठीक, जैसे अगर छोटा है तो छोटे का एक पेयर, बड़ा है तो बड़े का एक पेयर, ये फीमेल वाला क्रोमोजोम है। अगर डबल होमोजाइगस की बात करें तो हो दो पेयर एक में लेकिन सेम सेम, जैसे टीटी वाला एक पेयर सेम सेम, आरआर वाला एक पेयर सेम सेम, टीटी आरआर एक साथ बोल दो, टॉल राउंड प्लांट का एग्जांपल है। टीटी मतलब टॉल, आरआर मतलब राउंड, आएगा किसमें, आएगा ये भैया सेम सेम, देखिए टीटी सेम, आरआर अपने आप में सेम, तो मतलब दो टू है ना, एक में दो, तो ये हो गया डबल, एक ये एक ये डबल, और कैसे है सेम है तो होमोजाइगस, जैसे इसमें आरआर डब्लू डब्लू राउंड रिंकल्ड वाले प्लांट हो गए। ठीक, वैसे सिंगल हेटरोजाइगस में क्या होगा, सिंगल है लेकिन अलग अलग, जैसे टी एक कैपिटल एक स्मॉल मतलब हेटरो जाएगा, और है कैसे एक पेयर में टी टी एक साथ आएंगे, एक्स वाई मेल वही बता चुके, आर आर एक कैपिटल एक स्मॉल हेट्रो। ठीक, लेकिन डबल में क्या होगा, डबल में जब दोनों साथ आए मतलब हो अलग अलग क्योंकि हेट्रो जाएगा की, लेकिन रहे डबल, जैसे इसको कहेंगे टी टी आर आर, अब इसमें एक टी कैपिटल एक स्मॉल, एक आर कैपिटल एक स्मॉल, ऐसे आर आर डब्लू डब्लू। तो यहां तक हमारा लेक्चर था, बहुत ज्यादा कुछ खासा है नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक वीडियो पे जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।